फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले कुछ इस तरीके का ग्रैंड आर्ट जो कि टोटली होममेड एंड है, जिसे आप इजीली बना सकते हो। तो ये काफ़ी पावरफुल है। मैं इसमें 775 डीसी मोटर का यूज़ किया है जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड गाइस इससे आप इजीली बना सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर कर दिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं किस तरीके से बनाएगा ये। इस पावरफुल ग्राइंडर को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरीके का 12 वोल्ट की बैटरी जो कि टोटली मैंने इसी पे सेट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है 775 डीसी मोटर कुछ इस तरीके का जो कि काफ़ी हैवी है एंड गाइस आप चाहो तो अदर मोटर भी यूज़ कर सकते हो। तो देन कुछ इस तरीके के मैंने यूज़ किया है एंड गाइस इसे बहुत ही पावरफुल है एंड इससे इजीली ये वर्क करेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिया है एंड ग्लू गन की मदद से इसे इस पे माउंट करेंगे जो कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से ग्लू गन से मैं इस पे माउंट करूँगा एंड गाइस जो कि काफ़ी आसान है ये करना। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चिपकानी है ताकि ये टूटे ना। तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ग्लू गन की मदद से अच्छे से मैंने माउंट कर दिया है इस बैटरी के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेनी है एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करनी है, एक लेनी है सेफ्टी वाल जो कि आपको प्रेशर कुकर रिपेयरिंग शॉप पे इजीली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको भी लेनी है सेफ्टी वाल जो कि मैंने कुछ इस तरीके से परचेज किया है प्रेशर कुकर रिपेयरिंग शॉप से जो कि 20 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस मोटर के शाफ्ट पे इसे लगा दूंगा और ये जो कटिंग व्हील है इसे भी इसके ऊपर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। आप इसे भी हार्डवेयर के शॉप से इजीली परचेज कर सकते हो, 20 से 25 रुपये में इजीली यह मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये कटिंग व्हील को इसमें लगा देंगे एंड ऊपर से सॉकेट को लगा करके इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स से काफ़ी इजीली इसमें लग जाती है एंड बहुत ही इक्वल साइज़ होती है ताकि इसमें हिले ना। अच्छे तरीके से आपको माउंट कर लेनी है एंड इसे कस देनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कस दिया है एंड देख सकते हो काफ़ी इजीली वर्क कर रही है एंड ये बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से बना कुछ इस तरीके से वर्क कर लेगी है जो कि काफ़ी पावरफुल है यार, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इसकी। देन कुछ इस तरीके से मैंने लिया है स्विच और इसमें स्विच को कनेक्ट करूँगा। तो ग्लू गन से मैंने इस पे स्विच को चिपका लूँगा जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंड एक मोटर की वायर को कनेक्ट करेंगे स्विच में कुछ इस तरीके से। मैंने पॉजिटिव वायर को लिया है एंड मोटर के पॉजिटिव वायर पे कनेक्ट करेंगे जिस तरीके से आपको कनेक्शन करनी है। एक वायर पॉजिटिव जो कि मोटर से आ रही है उसे एक स्विच पे कनेक्ट करनी है और एंड एक वायर को पॉजिटिव बैटरी से स्विच पे कनेक्ट करनी है। तो कुछ इस तरीके से सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसकी कनेक्शन, आप इजीली कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से जो पॉजिटिव वायर है उसे मैंने कनेक्ट कर दिया एंड नेगेटिव वायर को मोटर के शाफ्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से नेगेटिव पे भी मैंने कनेक्शन कर दिया है। देन कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेनी है एंड गाइस बनकर रेडी हो गई है जो कि काफ़ी पावरफुल है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।